करते हैं, सबसे पहले हम कंपेयरिंग करते हैं हमारी इस ऑनलाइन क्लासेस में और दूसरी आपकी ऑफलाइन क्लास। बहुत सारे बच्चे फोन करके पूछते हैं कि नहीं सर, ऑफलाइन फेस टू फेस क्लास थोड़ी सी अच्छी होती है, लेकिन मैं कहता हूं कि मेरी फेस टू फेस क्लासेस से ऑनलाइन क्लासेस सबसे अच्छा है। सबसे पहली बात कि अब अंकुर श्रीवास्तव जी ऑफिस से क्लास ले रहे हैं, आप अपने घर से क्लास ले रहे हैं, शाम के 6 बजे आराम से बैठ के ले रहे हैं। अगर किसी क्लासरूम ट्रेनिंग होती शाम की 6 बजे की क्लास लेने के लिए आपको 4:30 से 5 बजे तक निकलना पड़ता, मतलब कि ऑफिस छोड़ना पड़ता, फिर वापस आप 7 बजे क्लास आपकी खत्म होती तो वापस 8:30 बजे तक पहुंच पाते, मतलब कि 4 घंटे एवरी डे। मैं सही बोल रहा हूँ आशीष जी? बिल्कुल सर। ये आपका ये बच रहा है, तो इस टाइम को आप अपने प्रैक्टिस के टाइम में लगा सकते हैं। अंकुर जी आपके बैकग्राउंड से शोर आ रहा था इसलिए मैंने आपको म्यूट कर दिया है, आपको कुछ पूछना हो तो अनम्यूट कर सकते हैं, क्योंकि आप ऑफिस में बैठे हैं तो पीछे से ऑफिस के शोरगुल आ रहा है, तो एक सेशन रिकॉर्ड भी होता है तो रिकॉर्डिंग आपको रिकॉर्डिंग में थोड़ी सी शोरगुल आएगी तो अच्छा लगेगा। तो मैं बात कर रहा था कंपेयरिंग। दूसरा कि आप ऑफिस के बाद जैसे कि अर्ली मॉर्निंग 7 बजे 6 बजे लेट नाइट 10 बजे 11 बजे रात को भी क्लास ले सकते हैं, क्योंकि कोई भी आपकी ट्रेनिंग सेंटर आपको नहीं दे सकता, तो ट्रेनिंग सेंटर 9 से 6 के बीच में ट्रेनिंग दे सकता है, उसके बाद मुझे लगता है कोई ट्रेनिंग सेंटर आपको रात को 11 बजे या मॉर्निंग में 6 बजे क्लास देगा, ठीक है। तो इसलिए ये क्लासेस सुटेबल है वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए, क्योंकि आप लोग कोई फ्रेशर नहीं है, कॉलेज पास आउट नहीं है, घर पे बैठे नहीं है, क्योंकि आप लोग वर्किंग है, अगर वर्किंग नहीं है तो काम ढूंढ रहे हैं, तो आपको ऐसा टाइम चाहिए जो कि ऑफिस के बाद का टाइम, क्योंकि आप इस एक्सेल सीखने के लिए आप अपनी जॉब को नहीं छोड़ सकते, राइट। आप जॉब के साथ साथ ही इसको सीखना चाहेंगे और क्लासरूम ट्रेनिंग मुझे लगता है जॉब के साथ साथ हो पाता है, इसीलिए मैं 2007 में ऑनलाइन क्लास को डिजाइन किया और मैं ऑनलाइन क्लासेस देना शुरू किया, और अभी तक मैं तकरीबन 42,000 से ऊपर बच्चों को ट्रेनिंग दे सकता हूं जो कि इंडिया और इंडिया से बाहर के भी है। ग्रेट सर। तो ये ऑनलाइन क्लासेस इसलिए बेटर है क्योंकि अगर क्लासरूम ट्रेनिंग में आप चाहते हो तो क्या करेंगे, जो स्क्रीन जो कंप्यूटर स्क्रीन में आपको शो कर रहा हूँ यही सेम स्क्रीन वो अपने प्रोजेक्टर के थ्रू आपको शो करेगा, और मैं सेम चीज में अपनी कंप्यूटर स्क्रीन को आपके सेलफोन पे आपके सिस्टम पे लाइव टेलीकास्ट कर रहा हूँ, तो क्लासरूम की तरह ही हुआ, बस यही है कि मेरा चेहरा आप नहीं देख पा रहे, तो इसमें वेबकैम की भी फैसिलिटी है, अगर मैं ऑन कर दूँ तो आप मेरा चेहरा भी देख पाओगे, मैं अभी आपका चला, लेकिन बीम कैम में से आता है कि 3C क्वालिटी खराब हो जाती है क्योंकि इंटरनेट जो है 2 फंक्शन में काम करने लग जाता है, स्क्रीन शेयरिंग एंड वीडियो शेयरिंग, इसलिए मैं बीम कैम ऑन नहीं करता क्योंकि शक्ल देखने से क्या होता है, आपको तो स्क्रीन देखनी है। और एक और बेनिफिट है कि हर क्लास की रिकॉर्डिंग होती है, तो क्लासेस की रिकॉर्डिंग से बेनिफिट क्या होता है, क्लासेस की रिकॉर्डिंग से बेनिफिट ये होता है कि आप मान लो क्लासरूम में जाएंगे आपके ट्रेनर आपको 10 चीजें बताएंगे, और मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप क्लास से बाहर निकलते 8 चीजें भूल जाओगे, बची 2 चीजें वो आपको हफ्ते 2 हफ्ते में भूल जाओगे, अगर इतनी मेमोरी शार्प होती तो अभी तक की ग्रेजुएशन तक की या मास्टर डिग्री या पढ़ाई सारी चीजें याद होती, लेकिन हमें बहुत कम याद है क्या सर, क्योंकि मेमोरी का जैसे मैंने डिस्कवरी चैनल पे दिखा था कि मेमोरी मात्र 2% ही कैच कर पाती है, तो लेकिन हमारे इस क्लास में रिकॉर्डिंग बनती है, तो हर क्लास की रिकॉर्डिंग मेरे गूगल ड्राइव के जरिए आपको मिलता है, तो जो चीजें आप भूल जाते हो उसको आप रिमाइंड कर सकते हो क्लास के बाद इन फ्यूचर में कभी। दूसरा बेनिफिट आपको मिलता है वो मिलता है फ्री रीज्वाइनिंग, मतलब कि अगर इन फ्यूचर में 6 महीने बाद या 1 साल बाद आपको लगता है कि आप कोर्स को दोबारा से रिपीट करना चाहते हो तो आप बेझिझक हमारी रीज्वाइनिंग फैसिलिटी को अपना सकते हो, अगर मैं जिंदा रहा तो आप मेरी क्लासेस को मैं तो नहीं कर सकता लाइफ टाइम, क्योंकि मैं ही पढ़ाऊंगा, मेरे बाद जरूरी तो नहीं कि मेरा बेटा पढ़ाए रहेंगे,
और मेरे बेटों पे आप मेरे बेटे पे केस कर दो कि नहीं सुजीत सर ने बोला था लाइफ टाइम भी नहीं मिलेंगी, तो फिर अभी दो क्लास, इसलिए मैं पहले बोल लेता हूँ कि जिंदा रहा तो मैं आपको फ्री रिज्वाइनिंग की फैसिलिटी देता हूँ। और फ्री रिज्वाइनिंग की फैसिलिटी क्या है? हाँ सर, हर जगह अवेलेबल है शंकु श्रीवास्तव जी, विंडो फोन हर जगह अवेलेबल है, ABI फॉर्मेट में बनता है, वो आपको कहीं भी प्ले कर सकते हैं। अगर नहीं हुआ तो आप उसको कन्वर्टर तो बहुत सारे उसको कन्वर्ट कर सकते हो, इसमें पूछने वाली बात नहीं है। अंकुर जी पूछेगा क्या रिकॉर्डिंग में विंडो फोन पे चला सकता हूँ? अब जो स्मार्टफोन तो स्मार्ट आए हैं तो हर तरह के फॉर्मेट को सपोर्ट करते हैं, ये तो VLC प्लेयर है ही, डाउनलोड कर लीजिए फोन में, हर तरह के फॉर्मेट को प्ले कर देता है। तो हम डिस्कस कर रहे थे कि रीज्वाइनिंग, अब रीज्वाइनिंग किस तरह पे बना हुआ है, देखिए मैं बता दूं सिंपल, रीज्वाइनिंग में कंडीशन है, कंडीशन ये है कि आप हमारे कोई भी रनिंग बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। आप बोलोगे कि मैं सेपरेट आपको पढ़ाऊं तो मुझे नुकसान हो जाएगा, तो मैं सेपरेट आपको रीज्वाइनिंग में नहीं पढ़ा सकता। अब मैं दो बच्चों को पढ़ा रहा हूं जो मैं नए स्टूडेंट है, तो आप आके उसमें पढ़ सकते हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि मैं दो को पढ़ाऊं या चार को पढ़ाऊं, क्योंकि मेरा इस पर कोशिश तो लग रही है, जगह थोड़ी कंज्यूम हो रहा है, ऑनलाइन ट्रेनिंग है, जितना मर्जी ज्वाइन कर ले। क्या आंसर जी? उससे इसी तरफ के मैंने रीज्वाइनिंग को फ्री कर दिया ताकि कोई भी बच्चा आ सकता है, मेरे रनिंग बैच को पढ़ सकता है। वीडियो चाहिए तो यूट्यूब को चैनल जो है मेरा, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो मेरे डेली बेसिस पे प्रमोशनल वीडियो आपको मिल जाएंगे। YouTube पे मेरे सारे वीडियो, मेरे 1200 से ऊपर वीडियो है, लेकिन सारे वीडियोस नहीं है। आप सोचो कि मैं 1300 वीडियो देख के पूरी एक्सेल सीख जाऊं तो मुश्किल है, क्योंकि YouTube पे मैं जो वीडियो डाला है वो प्रमोशनल वीडियो है, प्रमोट करने के लिए, क्योंकि सारे वीडियो YouTube पे डाल दूंगी तो डाउनलोडिंग कैसे चलेगा। लेकिन YouTube पे डे टू डे कुछ ट्रिकी वीडियो मैं डालता रहता हूँ, तो उसको भी आप देख सकते। अगर आप ट्रेनिंग नहीं लेना चाहते, आपके ऑनलाइन नहीं है, टाइम नहीं है, कंफर्टेबल नहीं है, तो हमारी रिकॉर्डेड DVD भी आप ले सकते हैं। मैं किसी एक बैच के वीडियोस को उठा के DVD में राइट करके आपको दे दूंगा, ये भी कर सकते हो। लेकिन DVD इज द लास्ट ऑप्शन, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए हमारी ऑनलाइन क्लासेस, क्योंकि सिंपल सी कहावत है कि गुरु बगैर ज्ञान नहीं होता है। क्या सर? अब बात करते हैं कोर्स के बारे में। हालांकि मेरी वेबसाइट iptindia.com पे अगर जाते हैं तो वहां पे सारे कोर्सेज अवेलेबल है, फिर भी मैं एक मोटा मोटी बता देता हूँ। बेसिकली मैं अपने कोर्स को तीन पार्ट, मतलब तीन लेवल में डिफाइन कर रखा है। लेवल 1 मतलब पार्ट 1, पार्ट 1 जिसमें हम बोलते हैं एडवांस एक्सेल फॉर प्रोफेशनल या फॉर्मूला कर सकते हैं, एडवांस एक्सेल विद फॉर्मूला या वर्किंग प्रोफेशनल आप बोल सकते हैं। तो इसके अंदर में माफ कीजिएगा स्पेलिंग मिस्टेक हुई, इसके अंदर में क्या है कि मैं एक्सेल के इनबिल्ट सारे फीचर्स को कवर किया है, जैसे कि फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला रिव्यू, इसके सारे फीचर्स, मोर देन 200 फॉर्मूला, एरे फॉर्मूला, डायनेमिक चार्ट, डैशबोर्ड की कुछ पार्ट, रिपोर्ट ऑटोमेशन की कुछ पार्ट, मतलब कि एक्सेल से रिलेटेड हर चीज को मैंने इसमें कवर कर दिया है। ठीक है, इसमें वी लुकअप एंड मोर देन 200 फॉर्मूला है ना सर, 200 से ऊपर फॉर्मूले कवर कर रहा हूं। व्हाट अबाउट दिस पाइवट? पाइवट में मैंने क्या बताया आपको कि फाइल से लेके डेवलपर तक के जितने रिव्यू तक के जितने भी ऑप्शंस है, सारे ऑप्शंस को मैंने कवर करने की कोशिश की। ओके, फॉर्मूला में सारे फॉर्मूला नहीं पढ़ा रहा, क्योंकि कुछ ऐसे फॉर्मूला है जो कि आपकी यूज के नहीं है या फिर उसको आप नहीं सीख सकते, इंजीनियरिंग क्यू कैपेबिलिटी में से फॉर्मूले आप नहीं सीख सकते, इसके लिए मैथमेटिकल की जरूरत पड़ती है। तो जो फॉर्मूला एक रिपोर्ट ऑटोमेशन करने के लिए जरूरत है, फ्रिक्वेंसली है, उस फॉर्मूले को मैं कवर करता हूँ। उसके अलावा आप चाहते हो कुछ पर्टिकुलर चीज जिसको मैंने कवर नहीं किया है उसको भी सीखें, तो आप मुझे बताएंगे, मैं आपको कवर कर दूंगा। अगर मुझे वो चीज आती होगी तो मैं कवर कर दूंगा, जो चीज नहीं आती होगी हम दोनों बैठ कर सीख लेंगे। नहीं नहीं करता है, मुझे 100% आ जाएगा। हाँ बोलिए। एक्चुअली कुछ नहीं थी, जैसे आपने यहाँ पे लिखा था ना फॉर्मूला में जो इंजीनियरिंग किया और एक्सेट्रा के फॉर्मूले, क्या ये हमारे प्रोफेशनल लाइफ में किसी भी सॉफ्टवेयर लाइन या किसी भी लाइन में हमारे ये यूज हो सकते हैं? देखिए बता दूं आपको, एक्सेल में ऐसा नहीं कर सकते कोई चीज फालतू उसका यूज नहीं है,
प्रोग्रामर ने डाला है तो हर किसी का कुछ ना कुछ यूज है, बट हमें वो यूज नहीं होता। ये फॉर्मूले मैं इसलिए नहीं कराता क्योंकि इसके पीछे मैथमेटिक्स है। फाइनेंशियल फॉर्मूला के बाद डीडीवी है, डिप्रेशन है, तो आप आपको डिप्रेशन निकालने मैनुअल आएगा तभी तो उसको सीखोगे ना। तो आप हमारी आपकी बैकग्राउंड अकाउंटिंग की नहीं है, तो मुझे अगर डीडीवी सिखाना होगा आपको तो इसके लिए मुझे डिप्रेशन को कैलकुलेट करना पड़ेगा, मैनुअल सिखाना पड़ेगा, मैथमेटिक्स पढ़ाना पड़ेगा ना। आप पढ़ सकते ना मैं पढ़ सकता, फिर भी मैं बोलता हूँ कि आप एनालाइज कर लो क्योंकि इस फॉर्मूले की डेफिनेशन तो दिया हुआ है। तो अगर आपको लगता है कि ये फॉर्मूला आपके काम आ सकता है, आपको किसी न किसी काम आ सकता है, तो मुझे उसका लिस्ट दे दीजिए एंड ऑफ द क्लास की, सर मुझे ये फॉर्मूले करने हैं जो कि आपने नहीं कराया है, तो उस सारे फॉर्मूले में कवर कर दूंगा। हो सकता है उसमें से कुछ फॉर्मूले मुझे ना आते हो तो मैं हम दोनों बैठ के उसको सीख लेंगे। ठीक है अंकुर जी। देखिए जो मैंने अपने प्रोफेशनल 15 साल की प्रोफेशनल लाइफ में जो फॉर्मूले मैंने सीखे हैं वो तो मैं आपको कराते ही कराते, फिर उसकी एरे फॉर्मूला भी कराते हैं, फॉर्मूला नेस्टिंग होती है, सारी चीज कवर करते हैं। मेरे हिसाब से सब चीज मैंने हिसाब से मैंने पूरी की पूरी कोर्स में आपकी हर जरूरत को डालने की कोशिश की है, लेकिन मैं भी कहीं पर गलत हो सकता हूँ कि मेरी डाली गई चीज से आपकी जरूरत पूरा ना हो, तो फिर उसके लिए आप मुझे बता दीजिएगा, हम आपको दोबारा से जो चीजें चाहिए बता देंगे। लेकिन उसके बैकअप में हम उसके बैकअप में यहाँ पे VBA माइक्रो प्रोग्रामिंग भी आपको सिखाएंगे। जब लेवल 2 की आप तरफ जाएंगे तो आपको सीखेंगे VBA माइक्रो पावर प्रोग्रामिंग, उसमें आपको फंक्शन बनाना सिखाएंगे। तो फंक्शन बनाने में क्या होगा उसमें कि आपको जो फॉर्मूले एक्सेल में है लेंदी है नहीं आता है, लेकिन आपको उसकी कंसेप्ट पता है तो आप अपने लिए खुद के फॉर्मूले डिजाइन कर सकते हैं। तो VBA में आपको माइक्रोज फंक्शन एंड इसके बाद इसमें आता है यूजर फॉर्म, ये तीन चीजें हमें आपको सिखाएंगे जो कि इन मतलब कि जो लेवल 1 में जो चीजें मैंने सिखाई है, मतलब कि माइक्रोसॉफ्ट इनबिल्ड जो फीचर्स है उससे आपका काम नहीं होता है, उसके अलावा कुछ काम चाहिए आपको तो आप खुद से अपने लिए फीचर्स डिफाइन कर सकते हो लेवल 2 में सिखाई गई चीजों की मदद से, तो उससे आपकी जरूरतें पूरा हो जाता है। ठीक है, फिर लेवल 3 जिसपे हम बात करेंगे MS एक्सेस की। अब कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर MS एक्सेस क्यों, एक्सेल की क्लास का हमें MS एक्सेस क्यों विषय। तो बेसिकली इस कोर्स को मैंने 2013 में इंक्लूड किया है, 2013 के आसपास। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चे इंटरव्यू में जो जाते थे उनसे एक्सेस पूछा जाता था, मैंने एनालाइज किया कि एक्सेस की क्या जरूरत है, तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ ऐसे काम है जो कि एक्सेल में बड़ी लेंदी तरीके से होते हैं या होते ही नहीं, लेकिन एक्सेस बड़ी इजीली तरीके से कर लेता है। तो एक्सेस अगर हम सीख लेते हैं तो हम अपने काम को और सिंपलाइज कर सकते हैं, इसलिए हमने MS एक्सेस को इंक्लूड किया इस कोर्स में। MS एक्सेस के में टेबल क्यूरी फॉर्म के साथ साथ आपको SQL की क्यूरी और VBA बताया जाएगा। तो कंप्लीट कोर्स होगा, कोर्स जो होगा वो होगा आपको रिपोर्ट ऑटोमेशन। क्या होगा? रिपोर्ट ऑटोमेशन। अब इसमें बात ये आती है कि कुछ बच्चे जो है ना एक्सेल करने के बाद क्या बोलते हैं, VBA करने के बाद बोलते हैं सर मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि आप लोग जॉब करते हैं तो प्रैक्टिस के लिए हो नहीं पाती है, तो आप इसको गैप भी ले सकते हैं, आप 1-2 महीने गैप लेकर फिर वापस कंटिन्यू कर सकते हो। इसीलिए हमें रीज्वाइनिंग फ्री किया हुआ है कि आप जहां आप मर्जी तहां छोड़ दें और जहां से मर्जी तहां भी स्टार्ट कर सकते हैं प्रैक्टिस करने के बाद। ठीक है, क्योंकि कोई सर्टिफिकेट कोर्स नहीं है, डिग्री कोर्स नहीं है कि कॉलेजेस की तरह के भाई 3 साल पढ़ने हैं एग्जाम पास करने, अब आपको आता है या नहीं आते पता नहीं, आपके पास डिग्री आनी चाहिए, डिग्री आ गया आप नकल करके पास करो अकल लगा लो पास क्या इस सिस्टम, क्योंकि ये हमारे रियल लाइफ से नहीं है। जितना अच्छा इसके परफॉर्म करेंगे हम ऑफिस में तो अच्छा परफॉर्म करेंगे, और जितना अच्छा ऑफिस में परफॉर्म करेंगे हमारे इंक्रीमेंट हमारे जॉब सिक्योरिटी हमारा कैरियर इतना अच्छा है। क्या बोल रहे हैं अंकुर जी? हाँ अंकुर जी, अलग अलग चीजों पे यूज होता है,
एक कोर्स में आपको इन तीन चीज आते हैं और बेनिफिट्स मैंने बता ही दिया, हर क्लास की वीडियो फाइल मिलेगी आपको, पीडीएफ बुक्स मिलेंगे, आर्टिकल्स मिलेंगे, सैंपल फाइल मिलेंगे और साथ में आपको जो है रीजॉइनिंग जो मिली है। अब क्लासेस की बात करें तो क्लासेस जो है मेरी पहली क्लास 5 बजे और आखिरी क्लास 11 बजे खत्म होती है, शुरू होती है 5 बजे और 11 बजे में खत्म करता हूँ रात से मंडे टू फ्राइडे। अब इस बीच में मेरा कुछ खाली स्लॉट और आपके लिए सुटेबल हो तो आप ले सकते, तो आप ये आवाज भूल रही है। हेलो, इसलिए आवाज भूल रही है। ऑब्वियसली अंकुर श्रीवास्तव जी का बोले ना ऑफिस में बैठे हैं तो ऑफिस की आवाज थोड़ी सी आ रही थी, अभी ठीक आ रही है आवाज अंकुर? हाँ आपकी आवाज ठीक आती है। हाँ अंकुर जी थोड़ा सा ऑफिस में बैठे हैं तो ऑफिस की शोर आता है इसलिए वो म्यूट कर रखे हैं, जो कुछ पूछना होता है तो अनम्यूट करके पूछते हैं। थैंक यू अंकुर। तो अब बात करते हैं कि आप लोगों को क्या करना है, कंप्लीट कोर्स करना है कि कोई पर्टिकुलर पार्ट करना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बैच सजेस्ट कर सकता हूँ। अगर मैं अपनी बात करूँ सर तो मुझे तो जो 1 मंथ के कोर्स में जो करा सकते हैं करा दीजिए, अगर कुछ एक्स्ट्रा लर्न कर भी लेते हैं तो आगे के लिए मुझे एडवांटेज। तो 1 मंथ क्यों? सर एक्चुअली 1 मंथ इसलिए मैं वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, ट्रैवलिंग जॉब में हूँ, टाइम का बहुत पास। तो अभी आप फ्री बैठे हुए हैं? नहीं अभी भी आज एक्चुअली क्लोजिंग कर ली लास्ट मंथ, तो शुरू के 4-5 दिन फ्री होता हूँ फर्स्ट में। तो ये तो पूछ रहा हूँ कि अगर ट्रेवलिंग जॉब आपकी है तो फिर 1 महीने अगर जैसे आप अभी अगर हो सकता है कि 1 महीने आपका फ्री बैठे हो तो इसलिए आप ले लो। हाँ तो बेसिकली मैं बता रहा हूँ कि सर टाइम का लर्निंग का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, लर्निंग में आपको टाइम देना ही पड़ता है। और दूसरी चीज है कि मैं तो पढ़ना तो आपको है, मैं तो जैसे आपको गाइड कर रहा हूँ पढ़ना तो आप ही को है, आप 10 दिन में सीख लो या 10 महीने में सीखो डिपेंड आपके ऊपर करता है, कोई सीखना आपको है। कोई मेडिकल कोर्स नहीं है कि आपको मेडिकल का डॉक्टर की दवा नहीं है कि सुबह शाम खाओ हड्डी में केमिकल बन जाएगी हड्डी मजबूत हो जाएगी, क्या ये तो लर्निंग है, तो लर्निंग में तो टाइम लगता ही है सर। तो ये सारा कोर्स मेरा 3 महीने के आसपास का है जब डेली 1-1 घंटे देता हूँ, तो 1 महीने में आप करना चाहें तो उसके लिए फिर आपको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, 2 बार में आपको 2-3 घंटे पढ़ने पड़ेंगे तभी तो होगा, क्योंकि मैं कोर्स को छोटा नहीं कर सकता ना। अगर मान लीजिए 90 घंटे का कोर्स आप कहोगे कि मुझे 30 घंटे में सिखा दो तो ये पॉसिबल नहीं, मुझे बहुत सारी चीजें छोड़ना पड़ेगा तो आपके नुकसान है। ये हो सकता है कि 90 घंटे कोर्स जो है आप जो 90 दिन में करा रहे हो आप 30 दिन में करा दो, हर दिन 3 घंटा दे, तो ये मैं कर सकता हूँ। तो अगर कंप्लीट कोर्स अगर आप लेते हैं तो इसकी कोर्स फीस पड़ती है 15,000। जैसे कि अंकुर जी बोल रहे हैं कि उनको वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग सीखना है, देखिए वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग सीखने के लिए अंकुर अंकुर जी की बात कर लेते हैं। अंकुर जी बोल रहे हैं कि उनको वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग उनको VLOOKUP बड़ा अच्छी तरह से आता है, तो सबसे पहले इस बात को जानिए कि अगर आप डायरेक्ट वीवीए करते हैं तो आपके पास एक्सेल की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि एक्सेल की नॉलेज अच्छी नहीं है तो वीवीए सीखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वीवीए क्या है, जो आप मैनुअल करते हो उसी की प्रोग्रामिंग है, मतलब कि जो आप ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कर रहे हो उसी की करैक्टर यूजर इंटरफेस वीवीए मैक्रो है। तो आप अगर कॉम्पिटेंट हो कि आपकी नहीं एक्सेल बड़ी अच्छी है, आप एरर फॉर्मूला सीख लेते हो, आपके फॉर्मूला नेस्टिंग अच्छी तरीके से आती है, 10-20 लाइन के फॉर्मूले आप लिख सकते हो, एक्सेल में आप कुछ भी कर सकते हो, तो आप वीवीए सीख सकते हो। अगर आपके पास 1% का डाउट है कि नहीं यार एक्सेल में थोड़ा बहुत कमी है, तो फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप डायरेक्ट वीवीए ना सीखें, क्योंकि फिर आपको सीखने में टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि मेरा जो ट्रेनिंग है वो एक्सपर्ट लेवल का है, तो अगर कंप्लीट करते हैं तो ये मेरा मैं बताऊं तो मेरा मेन कोर्स वीवीए ही है,
ये अगर बात करें लेवल वन को तो प्रिपरेशन ऑफ द लर्निंग वीवीए मैं कहता हूँ कि वीवीए सीखने के लिए प्रिपरेशन है लेवल वन, ठीक है। तो कंप्लीट कोर्स जो है 3 महीने के आसपास लगेंगे। अब 3 महीने मैं नहीं बोल रहा कि 3 महीने जो है आपका एग्जैक्ट है, ये बढ़ भी सकता है ये घट भी सकता है, ये डिपेंड आपकी लर्निंग स्टाइल पे करता है, ठीक है। तो अब इसको अगर आप दे चाहे तो अगर फीस पे करना चाहें तो आप इसको 2 EMI में पे कर सकते हैं। बैचेज आपको चाहिए तो मॉर्निंग का बैच सुटेबल रहेगा आपके लिए? ठीक है, लेकिन एक्चुअली मैं फ्रेंकली बताऊं आपको, लगातार 3 महीने तक टाइम देना मतलब आपको लगातार 3 महीने नहीं, मंडे टू फ्राइडे देना। और आप जैसे मैंने बताया आपको कि अगर ट्रेवल में आप हो, आपके पास नेट की कनेक्शन है, तो आप जो है ऑनलाइन इससे ले सकते हो, सेलफोन से भी। इसीलिए तो मेरे सेलफोन पे भी सॉफ्टवेयर वर्क करता है ना। इस मॉर्निंग की बात करें, इसलिए बोलो कि मॉर्निंग 7 बजे आराम से ले सकते हो, क्योंकि आपकी ऑफिस जाने को तो टाइम होता है, आने का टाइम नहीं होता है। मेरा ऑफिस जॉब नहीं है, मेरा फील्ड जॉब है। और मेरा जो ड्रीम रोल है वो है एनालिसिस ऑफ टीम। ओके, तो वो सेल्स का डाटा एनालिसिस करना है, मुझे बहुत ज्यादा सीखना नहीं है। आप जैसे बता रहे हो तो आप ये हमारे लेवल 1 ले सकते हो। लेवल 1 आपके लिए परफेक्ट रहेगा, जो कि 1 से 1.5 महीने के आसपास एक कवर हो जाएगा। लेवल 1 में क्या क्या दिखाते हैं आप? लेवल 1 में मैं आपको पूरा एक्सेल दिखा दूंगा, बस प्रोग्रामिंग पार्ट नहीं सिखाऊंगा। ये वर्किंग प्रोफेशनल होता है। लेवल 1 सीखने के बाद अपना काम पूरा कर सकते हैं। इसका क्या सर फीस स्ट्रक्चर लेवल 1 का? इसका फीस 7500 है। ज्यादा है क्या सर? 1.5 महीने का कोर्स है, 7500 की फीस पड़ेगी आपको। मैं एक्चुअली सर मैं ऑनलाइन देख रहा था और भी जगह, तो मोस्टली कंपनीज जो है वो 3000-3500 में कर रहे हैं, और मेरी कंपनी उससे कहीं चलेगी। बेसिक है वो, बात कर आप एक काम कीजिएगा, उनकी कोर्स कंटेन और मेरी कोर्स कंटेन को आप मैच कर लीजिएगा। दिस इज द वर्किंग प्रोफेशनल्स और ट्रेन में ऑल्सो प्रोफेशनल। मैं आपको वो चीज सिखा रहा हूँ जो की आपकी ऑफिस की जरूरत है। मैं आपको सिर्फ अपनी ट्रेनिंग नहीं दे रहा हूँ, मैं अपनी वर्किंग एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। दूसरा, इसमें 1 से 2 बच्चे या 3 बच्चे का बैच होता है, ठीक है ना? 3 बच्चे का बैच होता है, स्मॉल साइज बैच होती है, रीज्वाइनिंग फ्री होता है। तो फीस में नेगोशिएट मैं नहीं कर सकता, क्योंकि फीस हमारा फाइनल नहीं होता है। इसमें रीज्वाइनिंग फ्री मिलता है, 1 बार नहीं 2 बार नहीं 3 बार सीख। और जो आप बात कर रहे हो तो आप एक बार, मैंने बोला कि वो खराब रहा थे सबसे एक्सेल में, जैसे कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जाने कि एक्सेल में सीखने के लिए सबसे बड़ी जरूरत पड़ती है कि आपको सिखाने वाला इंडस्ट्री का वर्किंग प्रोफेशनल होना चाहिए, वही आपको एडवांस एक्सेल और रियल एक्सेल पढ़ा पाएगा। वरना आपको 3000 में 1500 में एक्सेल आपको सिखा देगा, MS Office एक्सेल क्या पूरी की पूरी MS Office आपको सिखा देगा, लेकिन उससे आपका पूरा नहीं होगा। बेसिक वो आपको चीजें बताएगा कि हाँ वीलुकअप क्या होता है, पिवट क्या होता है, लेकिन उसका आप अपने ऑफिस में अपने वर्किंग लाइफ में क्या यूटिलाइज करोगे, ये आपको एक वर्किंग प्रोफेशनल करा पाएगा। अगर कोई वर्किंग प्रोफेशनल आपको 3000 में कराता है तो मैं बोलूंगा कि प्लीज आप उनसे ज्वाइन कर लीजिए, उनका नंबर मुझे दे दीजिए कि जो स्टूडेंट मुझे अफोर्ड नहीं कर पाते मैं उनको रेफर कर। मेरी प्रॉब्लम यही है कि मैं स्मॉल साइज बैच लेता हूँ। अगर मैं भी 20-25 बच्चों का बैच लेने लगूँ तो मैं भी 2000 में करा सकता हूँ। अगर मैं 21000 में अगर मैं 3 बच्चों को पढ़ा रहा हूँ तो 20 बच्चों को मैं 1000 रुपये में पढ़ा सकता हूँ आराम से, 1000-2000। तो स्मॉल साइज बैच क्योंकि मैं क्वालिटी को मेनटेन करता हूँ, क्योंकि मेरा फोकस हर किसी पर होना चाहिए। हम आप घंटों बैठ के आपके ऑफिशियल प्रोजेक्ट पर डिस्कशन कर, तो इस डिस्कशन हमें स्मॉल साइज पे ही कर सकते हैं ना। अब आपकी ऑफिस की भी प्रॉब्लम हुई उस पर बैठ के मैं आधा घंटा डिस्कस कर सकता हूँ, क्यों? क्योंकि मेरे पास स्मॉल साइज बैच है। बड़ी बैच होगा तो फिर तो पूरी हफ्ता में या पूरा महीना निकल जाएगा प्रॉब्लम डिस्कस करने में, तो इसलिए मेरे साथ प्रॉब्लम है। आप मैं समझ सकता हूँ कि आप समझ गए हैं इस बात को,
तो फीस हमारा इसमें रीज्वाइनिंग फी देने का पर्पस नहीं था कि आप पूरी तरह से 100% लर्न करो, ठीक है ना। मैं आपको जब तक आप पूरी तरह से सीखोगे नहीं तब तक उसमें आप लर्न नहीं कर सकते। और मेरी क्वालिटी और मेरे लर्निंग स्टाइल को देखने के लिए यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज है, उनके कमेंट करो। अगर कहीं भी आपको निगेटिव कमेंट मिले, किसी एक वीडियो में मेरे निगेटिव कमेंट मिले, तो आप मुझे छोड़ सकते हो, कहीं और सीख सकते हो। मैं दावा करता हूँ कि कोई भी एक नेगेटिव कमेंट भी नहीं होगा। 1 करोड़ से ऊपर व्यू है हो चुके हैं वीडियोस के, और कोई भी नेगेटिव कमेंट नहीं, क्योंकि मैं आपकी जरूरत के हिसाब से पढ़ाता हूं। अगर एक ही टॉपिक के मेरी 10 वीडियो देखो आप, तो 10ों में डिफरेंट होगा। क्यों? क्योंकि हम हर स्टूडेंट की कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग और उसके यूजेज एंड प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग को ट्रेनिंग देते हैं, ठीक है। तो मॉर्निंग 7 to 8 का बैच है जो कि कल से स्टार्ट हो रहा है, और मुझे लगता है कि आप सब उसको ज्वाइन कर सकते हैं, तो आप चाहो तो कर सकते हैं, ठीक है अंकुर जी। तो हर दिन आपको एक मेल आएगी, मेल वो कीजिए, और साथ में हम जब भी हमारा कोई स्टूडेंट जब भी कोई लर्निंग स्टार्ट करता है, सबसे पहले हमें जो एक हमारी एक प्रिपरेशन ऑफ द लर्निंग नाम का एक बेसिक वीडियो है वो हम फॉरवर्ड करते हैं। तो आप जो है ना इस वीडियो का देखिए, 4 घंटे का वीडियो है जो कि हम करते हैं कि ये सारे चीजें हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट होने से पहले आपको आनी चाहिए, इसलिए हम हर किसी को फॉरवर्ड करते हैं। तो आपको भी फॉरवर्ड कर रहा हूँ, एक बार उसको देख लीजिए, फिर हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। ठीक है आशीष पंचल जी, कोई डाउट आपको? तो सर फीस थोड़ा सा रहेगा, आप बुरा मत मानिए मुझे, मैं माफी चाहूंगा अगर आपको लग रहा होगा कि सर कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं, लेकिन क्या करें सर। नहीं सर देखो, एज एन प्रोफेशनल यू हैव योर राइट टू चार्ज व्हाटएवर फीस यू एक्सपेक्ट। बेसिकली वही है ना कि अगर मैं किसी कंपनी में जॉब करता तो क्या लग रहा है मुझे, 50 से ऊपर सैलरी होती कि नहीं होती? तो उतनी तो मुझे निकालनी पड़ेगी ना, अगर मैं नहीं निकालूंगा तो मुझे ट्रेनिंग छोड़ के जाना ही पड़ेगा। और आप बात करें मेरी मतलब कि ट्यूशन टीचर भी है, वो भी तो 2-3 हजार रुपए ले ही लेती है महीने की, क्या बोल रहे हैं। ट्यूशन टीचर अगर लेते हैं तो ट्यूशन टीचर भी आपके 2 महीने के 3 हजार से 4 हजार चार्ज कर ही देते हैं सर। ट्यूशन टीचर बिल्कुल, देखो मैं तो ओपन आपसे बोल रहा हूँ कि मेरे यहाँ मुझे 10 और 11 12 को पढ़ने में एक मीटिंग अटेंड करनी है, ठीक है। तो मेरी कंपनी ने मुझसे ये कहा है 3 से 3 हजार रुपए मुझे अप्रूवल दिया है कि आप थोड़ा सा एक्सेल के बारे में सीख के आइए, कोई 1 मंथ का कोर्स ज्वाइन कीजिए, ठीक है। हेलो सर, मैंने मेल कर दिया, देख लीजिए उसको।